हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन ऑफ बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं? पादप होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण वर्णकों के रूप में करते हैं। जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ध्यान रहे कि प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किसके रूप में करेंगे? वर्णकों के रूप में, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के तीन प्रकार हैं। ध्यान रहे, नंबर एक क्लोरोफिल, नंबर दो होता है कैरोटीनॉइड्स, और नंबर तीन होता है फाइकोबिलेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल एक प्रकार से पादप में पाए जाने वाला प्रधान वर्णक है। अर्थात पादप जगत में ज्ञात क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल सी क्लोरोफिल डी क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो जीवाणु उपस्थित होता है, हरे सल्फर जीवाणु, और ये उपस्थित होता है जीवाणु में। क्लोरोफिल एक प्रधान वर्णक है। पादप जगत में जो ज्ञात हैं लगभग 7 क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ये क्लोरोफिल जो पादप जगत में ज्ञात हैं, और ये बैक्टीरियो क्लोरोविरिडिन है, ये हरे सल्फर जीवाणु उपस्थित होता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, ये जीवाणु के अंदर उपस्थित होता है। इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए, ध्यान रहे, क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक वर्णक है, अर्थात प्रधान वर्णक है जो जीवाणु को छोड़कर सभी पादपों में पाया जाता है। तो ध्यान रहे कि क्लोरोफिल ए होता है जो सार्वत्रिक वर्णक है, जो जीवाणु को छोड़कर सभी पादपों के अंदर पाया जाता है। यदि हम बात करें क्लोरोफिल बी, एक प्रकार से
क्लोरोफिल बी है जो सहायक वर्ण की भांति व्यवहार करता है, अर्थात यह है पादप व शैवालों में उपस्थित होते हैं, पादप व शैवालों में उपस्थित होता है जो एक प्रकार से सहायक वर्णक की भांति कार्य करता है। तो ये क्लोरोफिल है, बैक्टीरियोविरिडिन की बात कर रहे थे तो वो एक प्रकार से हरे सल्फर जीवाणुओं में पाया जाता है और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है जो जीवाणुओं में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल की संरचना की बात करते हैं, क्लोरोफिल की यदि संरचना की हम बात करें, विल्स टॉटर फिशर स्टाल इन्होंने क्लोरोफिल की संरचना का अध्ययन किया और क्लोरोफिल की संरचना का अध्ययन किया इन्होंने बताया कि क्लोरोफिल की संरचना में जैसे सामान्य आरेख के माध्यम से हम बात करते पहले ये क्लोरोफिल की संरचना है और इसके अंदर ये वाला पार्ट है जिसको बोलेंगे पोरफायरिन, पोरफायरिनसिस और इसके अंदर ये है फाइटोलबुंच, इसके अंदर ये Mg है जो केंद्रीय परमाणु है मैग्नीशियम और इसको बोलते हैं फाइटोल। फाइटोल पूछ ध्यान रहे क्लोरोफिल की संरचना है, इसके अंदर जो इसका शीर्ष भाग होता है उसको पोरफायरिनसिस के नाम से जानते हैं, हेड है जिसके अंदर चार पायरोल वाला होती है, पायरोल वाला जो मिलकर टेट्रा पायरोल वाला का निर्माण करती हैं, जो डायग्राम के माध्यम से हम बात करेंगे, ये एक आरेख ही आपको माध्यम बताया जा रहा है। पायरोल वाला होती है जिसमें चार नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, चार क्या होते हैं नाइट्रोजन परमाणु जुड़े होते हैं और इसका जो केंद्रीय परमाणु होता है वो क्या होता है मैग्नीशियम। ध्यान रहे इसका केंद्रीय परमाणु क्या होता है मैग्नीशियम होता है और जो चौथी जो पायरोल वाला है उससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला जुड़ी होती है जिसको क्या कहा जाता है फाइटोल पूंछ के नाम से जानते हैं और इसके शीर्ष भाग होता है जो क्या कहलाता है पोरफायरिन शीर्ष, जिसका केंद्रीय परमाणु होता है जो क्या होता है मैग्नीशियम। तो ध्यान रखना है क्लोरोफिल की संरचना का जो केंद्रीय परमाणु है वो कौन होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए है कि क्लोरोफिल ए जिसका रासायनिक सूत्र होता है C55H72O5N4Mg, एक प्रकार से क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र है और यदि क्लोरोफिल बी की बात करें तो C55H70O6N4Mg, यानी इनकी संरचना में जो अंतर होता है कि इसके जो इसमें CH3 जुड़ा होता है और इसके अंदर क्या जुड़ा होता है CHO, तो ये अंतर होता है और ये क्लोरोफिल की संरचना का आरेख की प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं कि जिसके अंदर उसके हेड भाग को पोरफायरिन शीर्ष बोलते हैं और उसकी जो चौथी जो पायरोल वाला है इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो श्रृंखला जुड़ी है इसको क्या बोलेंगे फाइटोल पूंछ के नाम से जानते हैं। तो ये क्लोरोफिल की संरचना है, क्लोरोफिल ए का रासायनिक सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, बी का भी C55H72O5N4Mg और यहाँ पर यानी बेहतर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बाकी संरचना दोनों की क्या है समान है। और ध्यान रखेंगे आप कि इसी संरचना के माध्यम से इनका क्या बनाया जाता है संरचना सूत्र बनाया जाता है, ये आरेखीय चित्र है जो आप देख पा रहे हैं कि इसका हेड भाग होता है उसको क्या बोलेंगे पोरफायरिनसिस बोलेंगे और इसकी जो पूंछ वाला भाग है इसको क्या बोलेंगे फाइटोल के नाम से जानते हैं। तो ये है प्रकाश संश्लेषी वर्णक जिसका एक का अध्ययन किया है जिस क्लोरोफिल का, इसके बाद में दूसरा होगा जिसकी बात करेंगे कैरोटीनाइड्स होगा और नंबर तीन क्या होगा फाइकोबेंस जिसका अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।